दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य की हेल्प से हनुमान जी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाना सीखते हैं। देखिए, स्वास्तिक हिंदू धर्म के अनुसार पूजा में एक पवित्र सिंबल, एक चिन्ह माना जाता है। मुख्य रूप से गणेश जी की पूजा में स्वास्तिक बनता है। तो स्वास्तिक बनाना सबसे पहले हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लस का निशान बनाना पड़ेगा। ये देखो क्या किया हमने, ये प्लस का निशान बनाया। अब क्या करेंगे, जो बीच वाली खड़ी लाइन है उसका ऊपर का छोर है उसको राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ा देंगे। जो हमारा राइट हैंड है उस साइड में इसको बढ़ा देंगे। नीचे की लाइन को इसके अपोजिट कर देंगे, नीचे के छोर को इसके अपोजिट कर देंगे लेफ्ट साइड में। अब रह गई आड़ी वाली लाइन। आड़ी वाली लाइन इसकी विपरीत दिशा में कर देंगे और इस लाइन को ऊपर कर देंगे इसकी विपरीत दिशा में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया स्वास्तिक। अच्छा, स्वास्तिक तो हमने बना लिया। अब स्वास्तिक की हेल्प से देखिए हनुमान जी कैसे बनेंगे। एक पैर हनुमान जी का हम यहाँ बनाएंगे, जो ऐसे घूम के पीछे घूमेगा वो एक पैर पे घुटने के बल है। दूसरा पैर यहाँ बनाएंगे जो आगे आके ऐसे घूमेगा। फिर यहाँ बॉडी बनाएंगे और एक हाथ उनका आगे रहेगा, एक हाथ में उनका घोटा रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं, आप भी साथ के साथ बना सकते हैं। उसके लिए आप पहले स्वास्तिक का चित्र बना लो कॉपी में। और अब स्टार्ट करते हैं। देखो, स्वास्तिक का चित्र बनाने के लिए ये सब जो मैंने समझाया वैसा करना है। उसके बाद अब हनुमान जी बनाएंगे। देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला के और यहाँ इसको मैं अभी डबल लाइन से कर देता हूँ। ये लंगोट का एक पार्ट बन गया हनुमान जी का। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे और ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे और ये उनका पेड़ बन जाएगा ऐसे। ये हमने पेड़ में कड़ा पहना दिया। अब इसको यहाँ पे उनका पंजा बना देंगे। इतना किया। अब देखो, अंगूठा आगे की तरफ आएगा। 1 2 3 4 5, ये अंगूठा है, ये चार उंगलियाँ हैं। तो ये पैर आ गया एक पीछे की तरफ। अब उनका दूसरा जो पैर है वो बनाएंगे इस वाले कोण से। स्वास्तिक का जो ये कोण है इससे हम उनका अगला पैर बनाएंगे। तो देखिए, अगला पैर आएगा यहाँ से, इसको बढ़ा के हम यहाँ मिला देंगे और इसको भी डबल लाइन ऐसे कर देंगे। ये हमने डबल लाइन क्यों की, ये उनके लंगोट पे जो लेस लगी हुई रहती है बॉर्डर, वो है। इसमें डिजाइन भी हम ऐसे डाल सकते हैं। ये लंगोट की बॉर्डर है ऐसे। एक पैर नीचे घुमा हुआ है, अब दूसरे पैर को आगे खड़ा कर देंगे ऐसे। ये इस टाइप से देखो। इतना करके इस पैर में भी मैं कड़ा पहना देता हूँ। हनुमान जी के दोनों पैरों में कड़े होते हैं। फिर ये पैर बनाएंगे, ये एडी और ये अंगूठा। ध्यान रखने की बात है, इस पैर में अंगूठा यहाँ, इस पैर में अंगूठा यहाँ, क्योंकि दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की तरफ होते हैं। तो ये अंदर की तरफ हो गया, इस पैर का ये अंदर की तरफ हो गया। अब 1 2 3 4, ये फोर फिंगर हो गई। तो ये पैर बन गए, लंगोट बन गई, इतना एरिया बन गया। अब क्या करना है, बॉडी बनानी है, आगे ऊपर से शरीर बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो, यहाँ से हाथ बढ़ाएंगे, ये यहाँ उनकी एल्बो हो जाएगी, ये कोहनी हो गई। यहाँ पे कड़ा डाल दिए। अब इतना हाथ बना दिए, कड़ा पहना दिए। अब इस हाथ को हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, क्योंकि इस हाथ पे हमको क्या करना है, पहाड़ का एक भाग रखना है। जब हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था ना, तब हनुमान जी हिमालय गए थे और संजीवनी बूटी के लिए एक पहाड़ की चोटी को ही उठा लाए थे। तो वो पहाड़ हमने बना दिया। अब रह गया दूसरा वाला हाथ। तो दूसरे वाले हाथ के लिए देखो क्या करेंगे हम, उस हाथ में हमें घोटा पकड़ाना है। तो उसको हम यहाँ से बढ़ाएंगे ऐसे और यहाँ से बढ़ाएंगे ऐसे।
और इसको ऐसे बढ़ा के और पहले तो कड़ा लगा देता हूँ मैं, और फिर मुट्ठी बंद कर देंगे ऐसे, क्योंकि साथ में हमको गोटा देना है। ये लाइन है ना, इसको आप इरेज कर देना बाद में फिर, क्योंकि यहाँ से हाथ आ गया तो ये लाइन यहाँ से इरेज हो जाएगी। अब इतना होने के बाद अब हम हनुमान जी के हाथ में पहले तो घोटा दे देंगे, फिर उनका चेहरा बनाएंगे। तो ये मैंने एक लाइन की इसी के बराबर, ये दूसरी लाइन की, और ये इस प्रकार से घोटा बना दिया, ये घोटे का हत्था बना दिया। और उसके बाद इस प्रकार से ये हमने ये घोटा बना दिया, और ये घोटे का ऊपर वाला भाग बना दिया। अब इतना करने के बाद यहाँ उनका फेस बनेगा। अब तो ये हनुमान जी का गला, और चाहे तो हम साइड फेस भी बना सकते हैं, चाहे तो इसमें फ्रंट फेस भी, साइड फेस का मतलब इधर देखते हुए, और चाहे तो इधर हमारी तरफ देखते हुए भी बना सकते हैं। तो अभी मैं साइड फेस बनाता हूँ। ये ललाट हो गया, ये नाक हो गई, फिर ये देखो, ये नाक बनाने के बाद लिप्स वाला पार्ट यहाँ नाक की नोक से शुरू होगा, पीछे से शुरू करेंगे तब तो इंसान का फेस बनेगा। और थोड़ा वानर थे क्योंकि वो, तो उनका फेस बनाने के लिए हम नाक की चोंच से शुरू करेंगे, पॉइंट से ऐसे बनेगा, और ऐसे लाइन आएगी, इस टाइप का फेस होगा। ये देखो ऐसे आँख बना देते हैं, इस टाइप से आँख बनेगी। साइड फेस में ऐसी आँख बनती है, फ्रंट फेस में मछली के आकार वाली आँख बनती है। ये आईब्रो हो गई। अब यहाँ से स्टार्टिंग की, ऐसे किया और यहाँ पे एंड कर दी। आगे घोटा है तो मुकुट थोड़ा सा छुपा हुआ रहेगा। अब उसके बाद हमने किया ये मुकुट, मुकुट पे वही डिजाइन डाली, और ये नॉक कर दी। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, अब जा चुकी है ट्रेन। तो फिर इस जगह पे कान बनता है, आई लेवल से नोज़ और लिप्स लेवल पे, यहाँ पे ईयर बनेगा, कान, कान में कुंडल डाल दिया हमने। अब यहाँ से उनके हेयर बना देंगे ऐसे, थोड़े से हेयर यहाँ आएंगे, और ऐसे करके हेयर बढ़ा देंगे, और ये उनके बन गए बाल, ये बन गए बाल। अब इनके गले में माला डाल देते हैं, इस टाइप से माला डाल देंगे, ये माला बन जाएगी इस टाइप से, ये बन गई माला, ये माला बन गई। अब यहाँ भी माला पहना देते हैं, इनके बाजुओं में एक माला यहाँ आ जाएगी, और ये जो इनका लंगोट है इस पे भी हम थोड़ी सी बॉर्डर कर देंगे और डिज़ाइन डाल देंगे, इस टाइप से ये डिज़ाइन डल गई। और इस लंगोट को बढ़ाना चाहें तो यहाँ उनका लंगोट ऐसे आ जाएगा, यहाँ से लंगोट आएगा इस टाइप से, ऐसे, ये देखिए।